बैक टू दी चैनल, मैंने विकास मवादी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज हम आए हैं चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट में, और चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक साल पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट की वीडियो को देखा था। तो इसके एड्रेस बता देता हूँ एक बार मैं, जीरो पॉइंट पे। और जीरो पॉइंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, जब आप कभी दिल्ली वगैरह से आओगे तो जब मुरादाबाद में एंट्री करोगे तब जो है आपको ये रेस्टोरेंट पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि होली रेजेंसी के जस्ट सामने है। तो चलिए, पहली वीडियो में काफ़ी चेंज था, अब वीडियो में इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है, मतलब अब इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है। तो आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने अपने इंटीरियर में, फूड में और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिएगा। आइए। तो गाइस, थोड़ा सा रोड के जब आप अंदर आओगे, मतलब ये थोड़ा अंदर है क्योंकि सारा एरिया इन्हीं का ही है, टोटल जो भी जितना भी पूरा रेस्टोरेंट का एरिया है इनका। तो चौपाल आपको थोड़ा आगे चल के आपको लेफ्ट लेना है, और सामने आपको एक ये वॉल मिल जाएगी, देख लो फ्लेक्सी टाइप है, है ना, इस पर बड़ा बड़ा चौपाल लिखा हुआ है। इसकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो गई है, पिछले साल ये जब ये ओपन हुआ था नया नया तो ये बहुत ही अच्छी लगती थी, और इस पर काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ थी। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, चौपाल का मतलब ये होता है, आजकल क्या है, आजकल के यूथ में ग्रुप चैट हो गई है, लेकिन पहले के लोग जो है चौपाल लगा के बैठा करते थे। आज का जो यूथ है, जो नया यूथ है, वो ग्रुप चैट करता है, और जो पुराने लोग थे वो चौपाल लगाते थे। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है पूरी थीम इनकी चौपाल गार्डन की। तो चलिए, बिल्कुल आ चुके हैं हम चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट के मेन गेट पे, जो रेस्टोरेंट का मेन गेट है आप देख सकते हैं सामने। और भाई बेहतरीन जो बना हुआ है, मैं पहले भी आया था और मैंने पहले भी बताया था, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो को भी। ये पूरा एरिया इनका खाली है, आप यहाँ पर खेल भी सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह आप खेल सकते हैं शाम के टाइम। अभी तो थोड़ा सा धूप हो रही है, और यहाँ पे मैरिज वगैरह होती है, शादी वादी जो है यहाँ पे आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा, बाकी हमारा मेन है इसको दिखाने का और फूड टेस्ट का। तो चलिए आइए। तो गाइज, हम फाइनली चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, और ये हैं धर्मेंद्र सर, यहाँ पे मैनेजर हैं। तो अब हमें आप घुमाओ पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट एरिया, तो ये हमें पूरा घुमाएंगे। कुछ नया चीज़ नया किया है पहले से, चेंजेस मैं बता रहा था जैसे, तो आओ लेके चलो, कहाँ कहाँ लेके चलते हो घटना है। तो गाइज, यहाँ पे पहले जो था केवल एक नहर टाइप चलती थी, लेकिन अभी इन्होंने झरना स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हो। और आप जो है मुरादाबाद में ओली का मज़ा ले सकते हो। मैं अभी ओली गया था रिसेंटली, आपने देखा होगा वो ब्लॉग, तो ओली में भी ऐसी झरना था, वो बहुत बड़ा था लेकिन ये छोटा है। लेकिन आप यहाँ पे आसानी से आराम से नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो, एक चीज़ और बता दूँ, आपको लग रहा होगा ये पानी कहीं नाली में या वेस्ट हो रहा होगा, तो इनका एग्रीकल्चर लैंड है उस साइड में, तो वहाँ पे पानी चला जाता है, यानी कि ये पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा, मुझे सबसे अच्छा लगा ये। बाकी आओ आगे लेके चलते हैं आपको, और यहाँ पे थोड़ी आवाज़ भी ऐसी आ रही होगी क्योंकि पानी की आवाज़ आ रही है, और मुझे पहले से नहीं पता था, नहीं तो मैं टॉवल ओवल लेके आता, नहाता आराम से मस्ती से। सो गाइज, अभी हमने दिखाया आपको ये झरना, और अभी हम लेके चलते हैं जो इन्होंने नया एक हॉल तैयार किया है बर्थडे पार्टी के लिए, किटी पार्टी के लिए, एनिवर्सरी के लिए, और एसी हॉल है। तो आइए लेके चलते हैं अंदर। धर्मेंद्र सर हमें दिखा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी, क्योंकि भाई जो चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट है ना, बहुत बड़ा है। मैं सच बता रहा हूँ कि मुरादाबाद में शायद इतना बड़ा रेस्टोरेंट का एरिया डाइनिंग एरिया आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन, एक अलग ही थीम लग रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी सिंपल है लेकिन बहुत ही अलग है, एकदम नेचुरल सी, जैसे नेचुरल वाइब बाहर आ रही थी वैसे ही अंदर आ रही है। आप देख सकते हो पूरा, एक बार सही में पूरा दिखा दो घुमा के, काफ़ी जो है सीटिंग प्लान काफ़ी अच्छा है, टेबल काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर। और बाकी एसी रूम है, मतलब पूरा जो ये हॉल है ये एसी है, आपको बिल्कुल भी गर्मी या फिर ठंडी का एहसास नहीं होगा। बाकी चलते हैं बाहर लेके आपको यहाँ से, तो आप देख सकते हो पूरा सीन। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि म्यूज़िक सिस्टम भी है यहाँ पे, अपनी पसंद के गाने बजा सकते हो। जैसे हम डाइनिंग हॉल से बाहर निकल के आते हैं तो आपको ये चौपाल नज़र आएगी, ये मैंने पहले भी दिखाई थी, और ये चौपाल एकदम
आप देख ही सकते हो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बनाई हुई है। यहाँ पे बैठ के आप अपना फूड इंजॉय करोगे, यहाँ पे नेचुरल हवा मिलेगी। यहाँ पे एसी नहीं है, पंखे लगा रखे हैं लेकिन पंखों की हवा काम नहीं करती है, यहाँ पे नेचुरल हवा काम करती है क्योंकि सब तरफ से खुला हुआ है ये। और आप देख सकते हो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स वगैरह आप यहाँ पे आके बना सकते हो और अपना फूड भी इंजॉय कर सकते हो। और इनका जो यहाँ पे आपको फूड अवेलेबल यहाँ पे भी हो जाएगा, आपको फूड अवेलेबल वहाँ पे भी हो जाएगा ऑर्डर कर दोगे तो। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको रेस्टोरेंट में, जो इनका प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ है वो भी पहले से काफ़ी चेंज कर दिया, तो आओ सुनिए। पहले गाइज मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट नाम है या फिर चौपाल बनी हुई है, इन्होंने छोटी हटें भी बना रखी हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा गांव लिखा हुआ है, ये पहले नहीं था, अभी इन्होंने पूरा तैयार किया मेरा गांव। और नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फर्श या फिर फर्श नहीं है और यहाँ पे कोई पत्थर लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे ये गुबरी हो रखी है। आप शायद जो गाँव के लोग होंगे वो जानते होंगे, मैं जानता हूँ। तो ये पूरा मेरा गाँव की थीम करके इन्होंने बना रखा है पूरा प्रॉपर। पंखा भी लगा हुआ है ऊपर आप देख सकते हो, और ये कुछ इस तरीके की इनकी सीटिंग प्लान है, तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है फिलहाल तो। आप ये पूरा आगे जो है चारपाई भी पड़ी हुई है, ये देखो यहाँ पे आप अपना बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस टाइप से खाना है तो भाई एक नंबर, मतलब गजब का स्वाद मुरादाबाद में शायद ही चैलेंज है मेरा, नहीं होगा भाई सच में नहीं होगा। और बाकी मैं अभी जो बता रहा था रेस्टोरेंट का एरिया, तो आपको रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। उससे पहले मैं हट की बात कर रहा था, तो इनकी दो हटें हैं वो जो मैंने पहले भी दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक हट ये है, हट नंबर दो, और एक ये है हट नंबर एक। और इस पे बाहर लिखा हुआ है फ्री वाईफाई जोन, तो वाईफाई भी आपको फ्री मिलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और हट भी दिखा देता हूँ, चलो एक हट को मैं अंदर से दिखा देता हूँ। ये है पूरी हट, आप इसमें आराम से सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे अपना फूड इंजॉय भी कर सकते हो। पंखा, म्यूज़िक सिस्टम, लाइटिंग सारी प्रॉपर हो रखी है। दूसरी बात ये बता दूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई इन हट में बैठने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है। भाई कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, आप जो है अपना फूड इंजॉय करो, मतलब फूड ऑर्डर करो, खाओ, जितना भी टाइम आपको टाइम स्पेंड करना है जितने भी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। बाकी आओ अंदर लेके चलते हैं। सो ये है जो रेस्टोरेंट का एरिया है, बिल्कुल अंदर आके है, मतलब कहाँ से हम रोड से निकल के आए हैं और कहाँ तक हम आ चुके हैं, तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल अलग है। जो हमने आपको वो वाला हॉल दिखाया था, जो स्टार्टिंग में दिखाया था, उस हॉल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकी जो इसकी जो सीटिंग प्लान है वो बहुत अलग है, इसका जो इंटीरियर है थोड़ा अलग है। और जैसे मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ, जैसे मैं नेचुरल दिखा रहा बाहर से, वैसे ही नेचुरल सा, सिंपल सा, कोई ज़्यादा पेंटिंग नहीं, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया वाइब आ रही है, नेचुरल वाली वाइब जिसे कहते हैं। तो ये पूरा है, बाकी हम अब बाहर चलते हैं और अपना कहीं पे बैठ के, यहीं पे कहीं पे बैठ के फूड इंजॉय करेंगे। उसका टेस्ट बताइए गाइस, हमने अभी ऑर्डर देंगे, उससे पहले हम जो है आपको रूम दिखा देते हैं यहाँ के, जो यहाँ पे जो है रूम अवेलेबल है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, आप जो है मुरादाबाद में कोई रूम वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है। आप दिल्ली वगैरह से आ रहे हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। रूम वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ, और रूम के रेंट के बारे में भी पूछेंगे, मतलब रूम का जो रेट है या रूम कैसा है, एक रूम हम दिखाते हैं पूरा। तो ये पूरा एक बेड पड़ा हुआ, एसी लगा हुआ, पंखा, लाइट, सिंपल सा रूम है, बेहतरीन साफ़ सफाई काफ़ी नज़र आ रही है। तो अभी मैं एक बात पूछना चाहूँगा, रूम के बारे में बता सकते हो थोड़ा सा, कितने रुपए में बुक हो जाता है ये? 2500 रुपये में, मतलब केवल रूम है, उसके साथ और कुछ खाने पीने नहीं है? अच्छा, तो 2500 रुपये में है ये, मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप कहोगे, हाँ इधर वॉशरूम है, बढ़िया सा बेहतरीन सा वॉशरूम आप देख सकते हो। अगर आप कहोगे प्रॉपर, तो मैं इनके जो इनका जो होटल, पूरा होटल है, जो और भी रूम है या फिर जो क्या क्या रूम में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें अगर आप कहोगे तो आप एक कमेंट करो। कमेंट करने के बाद में मैं यहाँ का पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम रेस्टोरेंट कवर करने आए फिलहाल, तो हमने सोचा कि इसको भी बताया जाए, इनके पास में रूम भी अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आप अपने रूम से बाहर बैठना चाहते हो तो यहाँ पर बैठ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, खाना खा सकते हो। भाई बहुत ही बढ़िया है, मुझे लिटरली काफ़ी पसंद आया। हमने आपको पूरा चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट घुमा ही दिया है। गाइस ये देख सकते हो आप, मेन्यू है चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट का, और ये पूरा है, आप देख सकते हो पूरा। मैं एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना, काफ़ी बड़ा मेन्यू है ना, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ जो भी आपको चाहिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं। हमने क्या क्या ऑर्डर किया है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमने शेक में ऑर्डर किया है, क्योंकि भाई गर्मी पड़ रही है, तो बटर स्कॉच शेक जो है ऑर्डर किया है, 140 का है ये। और आगे चलते हैं, ये तंदूरी में कुछ ऑर्डर किया है, चौपाली टिक्का है ना, और ये है 300 रुपये का है ना। और आगे चलते हैं, तो हमने क्या है, चाइनीज़
चाइनीज सीजलर जो भी है मुझसे नाम नहीं लिया जा रहा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये है 200 का तुम्हारा, तो ये है क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, है ना, ये 260 का। ये सब हमने ऑर्डर किया है, इसका हम सबका टेस्ट करके आपको बताएंगे जो भी बेस्ट टेस्ट होगा। वैसे तो भाई मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, तो अच्छा लगता है। और बाकी हम करते हैं टेस्ट, आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमारा एक आ चुका है सीजलर, है ना, और ये देख सकते हो कोम्बो टाइप है कुछ, है ना। यहाँ पे फ्राइड राइस भी है, इधर मंचूरियन वगैरह है ना, नूडल्स। तो और इसमें से अभी अभी धुआं उठ रहा है, आप देख ही रहे हो यार वीडियो में। बाकी जो हमारा और ऑर्डर है वो आने वाले, दिखाने वाले, खाने वाले। तो गाइस हमारा आ चुका है चौपाली टिक्का, आप देख सकते हो भाई क्या खतरनाक करके इन्होंने जो है डेकोरेट किया है, मज़ा ही आ गया लिटरली, ये देख सकते हो आप, है ना। और ये अभी टेस्ट करेंगे, हमारा सारा फूड जब आ जाएगा सब टेस्ट करेंगे। ये अभी फ़िलहाल दो आइटम हमारे आ चुके हैं भाई, खुशबू तो गजब आ रही है, मतलब बस क्या ही बताऊँ। सब आने दो, उसके बाद सबके बारे में बता के टेस्ट करके बताऊँगा फिर मैं। सो गाइस ये आ गए चिल्ली बेबी कॉर्न, और क्रिस्पी बेबी कॉर्न भी बोलते हैं इसको, आप देख सकते हो भाई इसकी खुशबू तो इन दोनों से भी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। बाकी अभी टेस्ट करेंगे, हम शुरू करते हैं चाइनीज़ बेबी कॉर्न से, और थोड़ा थोड़ा शर्व करके हम जो है टेस्ट बताएंगे आपको, और थोड़ा सा लूंगा मैं फ़िलहाल स्टार्टिंग में, थोड़ा सा मैं इसका टेस्ट करता हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने सर्व कर लिया है अपनी प्लेट में, और इसका मैं टेस्ट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई बाकी में लिटरली एकदम टेस्टी, मज़ेदार, और नॉर्मल जो है, जो जैसा लग रहा था ना कि देखने में कि मिर्ची ज़्यादा तेज़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। जैसे मैं देखने में सोच रहा था कि इसमें मिर्ची वगैरह होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। फिलहाल इसके बाद में हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये है चौपाली टिक्का, जो कि यहाँ का फेमस है, मतलब चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट का फेमस चौपाली टिक्का है, उसका मैं टेस्ट करने वाला हूँ अभी। चटनी के साथ में भाई, वाकई में चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट का फूड जो है वो अमेजिंग है, और ये भी भाई एकदम मस्त, एक नंबर, बिल्कुल फ्रेश, मतलब एकदम फ्रेश टेस्ट आ रहा है इसका भाई, मज़ा आ गया लिटरली। चाइनीज़ सीजलर है ये, इसको टेस्ट करता हूँ मैं, और इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। ये फ्राइड राइस है, और ये है हमारा मंचूरियन, ये मंचूरियन है आप देख सकते हो। तो मैं इसे लेता हूँ थोड़ा नूडल्स, बहुत ज़्यादा आ रहा है, और क्वांटिटी तो भाई बहुत है ये, वाह। इन सबका टेस्ट करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। वैसे इन दोनों का टेस्ट भाई अमेजिंग है, मतलब कुछ भी, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि ठीक है बढ़िया है, मतलब अमेजिंग टेस्ट है। और बाकी मैं टेस्ट करता हूँ नूडल्स को ही थोड़ा सा, नूडल्स भी भाई एकदम अमेजिंग टेस्ट वाले हैं। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि सारा फूड जितना भी मैं खा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ लायक हो कि हाँ यार चलो ये ठीक था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मंचूरियन एवरेज है, मैंने एक जगह और खाया था, सेम टेस्ट है। और बाकी फ्राइड राइस टेस्ट करता हूँ मैं, तो भाई फ्राइड राइस भी बढ़िया लग रहा है। जो इनका ये टिक्का है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये चाइनीज़ बेबी कॉर्न, ये दोनों तो अमेजिंग टेस्ट में है, मतलब अगर आप चौपाल गार्डन आओ ना, तो एक बार इनका टिक्का ज़रूर टेस्ट करना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ टिक्के के लिए। आप टिक्का और ये चाइनीज़ बेबी कॉर्न, ये दोनों में से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। और हमारा जो शेक है वो आ चुका है, तो ये शेक है हमारा बटर स्कॉच, और इसको टेस्ट करता हूँ। वैसे बटर स्कॉच ये सारे शेक नॉर्मल ही होते हैं, इनका फ्लेवर सेम सा ही होता है, बाकी देखते हैं फ्रेशनेस है या नहीं। बाकी यार सच में भाई अमेजिंग स्वाद है इसका भी। और शेक शॉप होती है ना, शेक कैफ़े होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है,
है ना, मैं तारीफ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई लिटरली बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कभी भी यहाँ पे आ रहे हो किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या फिर ब्रेकअप पार्टी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ब्रेकअप पार्टी भी आप कर सकते हो यहाँ पे आके, तो ये सारी चीज़ें हम फिनिश करते हैं। बाकी लिटरली स्वाद बहुत अच्छा है, लिटरली जो कैफ़े है, जो ये कैफेटेरिया है या रेस्ट्रो है, अमेजिंग है भाई, देखने में आपको लग ही गया होगा, टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। और भाई यहाँ पे आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी, बाकी मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं इसको फिनिश करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ फिनिश करने के बाद में, और जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी मैं मिलवाऊँगा कि कौन है यहाँ के ओनर, और बाकी बने रहिएगा और देखते रहिएगा, शेयर जरूर कर देगा एक बार, बाकी फिनिश कर दीजिए। अभी हमारा खाना पीना अभी चल रहा है, आप देख सकते हो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी भाई बहुत ज़्यादा है, लिटरली देख सकते हो आप हमारा पेट तो भर ही चुका है। अभी और थोड़ा सा करते हैं, और ये जो है ना ये चौपाली इक्का इनका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अमेजिंग टेस्ट है, और इसका भी ये सेक है, अभी चल ही रहा है सेक हमारा, और सामने सनी भाई। तो भाई हमारा फूड जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ये पनीर टिक्के वाला है, बाकी सब जा चुका है, इसमें वेजिटेबल है जो हमने अभी नहीं खाई है, और पनीर पनीर निपटा दिया हमने पूरा, आप देख सकते हो चटनी भी अच्छी बची रखी है, लिटरली काफ़ी टेस्टी था। और अभी हम बाहर जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो जिससे कि आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी। सो गाइज हमारा जो फूड है वो फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, और लिटरली काफ़ी टेस्टी था, और जो चौपाल गार्डन रेस्टोरेंट है आपने देख ही लिया होगा, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, उस साइड ही जा रहे हैं हम अभी, और मंदिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा बाहर से, और इनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी दिखाते हैं, उसमें कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं भाई, मैंगो वैंगो के पेड़ हैं, तो वो देखते हैं। और काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पे, फ़ोटो वोटो काफ़ी क्लिक किए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इनका भी पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप कॉन्टैक्ट भी करके अपना जो भी पार्टी वगैरह के लिए बात कर सकते हैं, जो पार्टी हॉल था मैंने आपको दिखाया, तो आप वहाँ से अपनी पार्टी वार्टी के लिए भी बुक करा सकते हैं, ठीक है, फ़ोन पे ही बुक हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन वैसे कॉल करके परेशान ना करें ना, सारी चीज़ें ना पूछें तो ज़्यादा बेटर है, आपको जो भी क्वेरी है आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। धर्मेंद्र भाई फ़ोन उठाएंगे है ना, आप उठाते हो जी? हाँ, ज़्यादातर यही उठाते हैं क्योंकि मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में यहाँ का। और बाकी जो मंदिर है वो मैं बता रहा था, मंदिर सामने है, आप देख सकते हो सामने मंदिर है, और जिनका एग्रीकल्चर लैंड है वो इस साइड में, काफ़ी बड़ा बना रखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये देखो आम के पेड़ गए हैं, कटहल की नहर का पानी आता है, हाँ नहर का पानी जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था वो देखो पानी चल रहा है इधर, और ये पूरा आम पेड़ वेड़ इधर जरिए चरई गाजरा जो भी है आप देख सकते हो, जिसको पता होगा वो बता सकता है, ये है ना, ये मैंगो कटहल कटहल भी लगे हुए हैं यार, देख लो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत लगाऊंगा, बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, देख लो बिल्कुल ठंडा ठंडा यहाँ पे पानी चल रहा है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ मैं, और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं जो कह रहा था कि मैं यहाँ के ओनर जो है उनसे मिलवाऊंगा, तो वो अभी घर गए हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे यहाँ पे, यहाँ के जो इनके रूम हैं, आप अगर दिल्ली वगैरह से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको रूम भी अवेलेबल मिलेंगे, अगर मुरादाबाद में कहीं रुकना चाहते हो हॉलीडे एजेंसी के सामने, ये एड्रेस है पूरा प्रॉपर इनका है ना, तो रूम वगैरह अवेलेबल यहाँ पे हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो उनसे। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसी मुरादाबाद से रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।